श्रीकाल आदाब वड़कम एंड योर विद नम्रता। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली आउटफिट आइडियाज। लाइक आपको न्यू परचेज करने की जरूरत नहीं है आउटफिट्स, आप अपने ओल्ड कपड़ों से ही अलग अलग स्टाइल्स में क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके के आउटफिट के साथ क्या मिक्सर मैच करना चाहिए, किस तरीके की ज्वेलरी पहननी चाहिए और ज्वेलरी वही यूज करें जो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि यू नो दिस टाइप की ज्वेलरीज हम सबके पास होती ही है और उसको आप कर सकते हैं। आपको न्यू ज्वेलरी परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही छोटे मोटे टिप्स एंड आइडियाज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो यार गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है फर्स्ट आउटफिट जिसे ऑफकोर्स मेरे लास्ट दो वीडियो में आप देख रहे होंगे। इसमें मैंने व्हाइट कलर का स्कर्ट ऐड किया है, इसके साथ मैंने पेयर किया है ब्लाउज, और ये ब्लाउज मेरे एक साड़ी का ब्लाउज है, उसके ऊपर मैंने ऐड किया है दुपट्टा, एक हैवी दुपट्टा। और आप चाहे तो इस तरीके से इसे वेयर कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे इस तरीके से साड़ी के वे में भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एकदम हैवी इयररिंग्स ऐड किए हैं, क्योंकि पूरा जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्लेन है, सो दैट्स वाई पॉपअप करने के लिए हैवी इयररिंग्स ऐड किया है। तो मतलब आपके पास जो भी कपड़े हैं, स्कर्ट, जिस भी साड़ी का ब्लाउज उससे थोड़ा सा मैच करता हुआ दुपट्टा, आप तीनों को मिक्स एंड मैच करके इस तरीके का आउटफिट आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा ये वाला आउटफिट। ये आउटफिट मैं थोड़ा चिल आउटफिट बोलूंगी। तो इसमें मैंने ऐड किया है स्कर्ट, वाइट स्कर्ट जो पहले वाले आउटफिट में था सेम वही, और उसके ऊपर मैंने सीक्वेंस वाला टॉप उसे ऐड किया और बनारसी दुपट्टा, क्योंकि दोनों ही सीक्वेंस वाला टॉप और स्कर्ट थोड़ा प्लेन हो जाता तो बनारसी दुपट्टा एक फेस्टिव वाइब ला सकता है पूरे आउटफिट में, और उसके साथ एक हैवी इयररिंग्स जब आप वेयर नहीं करते गले में और आपकी आउटफिट इतना ज़्यादा निकल के नहीं आती, तो आपको डेफिनेटली हैवी और गोल्डन में ही आपको इयररिंग्स वेयर करने हैं, जिससे कि यू नो वो दिवाली वाला वाइब आना चाहिए। एंड आप चाहे तो इसमें दुपट्टा ले, अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप दुपट्टा भी हटा सकते हैं और आप सिर्फ बिग इयररिंग्स विद दैट स्कर्ट और टॉप। ये बहुत ही प्यारा आउटफिट, एकदम चिल आउटफिट, जिसको नहीं चाहिए कि भाई दुपट्टा साड़ी एंड ऑल दैट वेयर करे, तो उसके लिए ये आउटफिट परफेक्ट है। नेक्स्ट आउटफिट है स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए, बिकॉज अगर उनकी न्यूली शादी है या मैरिड है और उनको साड़ी ही वेयर करना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हैवी एंड वर्क वाली साड़ी ही वेयर करे, बहुत ही लाइट जॉर्जेट जो हल्की साड़ी होती है इस टाइप की वेयर कर सकते हैं। उसके साथ आप ऑब्वियसली अगर ब्लाउज है उसका तो ऐड करें। यहाँ पर मैंने क्रॉप टॉप मेरा ऐड किया है विथ अगेन हैवी ज्वेलरी, एंड ये परफेक्ट है फॉर मैरिड वुमेन। सो इस तरीके का आप वेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी साड़ी में अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा बॉदर करता है बहुत लोगों को, बट इफ यू आर कंफर्टेबल हैवी साड़ीज तो ओके, बट इफ नॉट तो आप इस तरीके के साड़ी को वेयर कर सकते हैं विद द हैवी ज्वेलरी। ये साड़ी वाला आउटफिट जरूरी नहीं कि सिर्फ मैरिड, अगर आप यू नो गर्ल हैं उसके बावजूद भी आपको बहुत लाइक कुर्ती एंड ऑल दैट पैर करके आप बोर हो गई है, तो आप इस तरीके का प्लेन साड़ी मम्मी का या अगर आपके पास है खुद का तो वेयर कर सकते हैं। ब्लाउज आप क्रॉप टॉप, कोई भी क्रॉप टॉप ऐड कर ले, ब्लैक वाइट सब ही क्रॉप टॉप बहुत ही अच्छे लगते हैं इस टाइप के साड़ी में, सो यू कैन वेयर दिस टाइप ऑफ साड़ी। तो नेक्स्ट आउटफिट में मैंने एक प्लेन कुर्ती ली है, और इसमें मैंने अगेन मेरा वही वाइट वाला स्कर्ट ऐड किया है। आपके पास जो भी कुर्ती हो उसके साथ आप इस तरीके का वाइट स्कर्ट या प्लाजो आप ऐड कर सकते हो। अब कुर्ती बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाली नहीं है, इसलिए मैंने लाइक मांटी का हैवी इयररिंग्स तीनों ही चीज़ ऐड की है। आप चाहे तो इसमें नेक पीस भी वेयर कर सकते हैं, बट अगर आप नेक पीस वेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका जो इयररिंग्स है वो थोड़ा स्मॉल हो, और मांटी का, अगर आप मांटी का वेयर नहीं कर रहे हैं तो आप हैवी इयररिंग्स और नेक पीस पे जा सकते हैं, एंड इस तरीके का भी आउटफिट आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ही लाइट
टाइट है विद अ हैवी ज्वेलरी और ये भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। सो आपके पास जो कपड़े हैं आप उसी को रीयूज करके इस तरीके के आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके अपना खुद का आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। फेमिनिन हाइजीन टाइम। सो गाइस ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में ये है टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं यू नो वो बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है, इट्स अनहाइजीनिक, हमें यूज करना पड़ता है बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस सैनिटाइजर। आपको सिर्फ आपको टॉयलेट सीट पे ये स्प्रे करना है, 5 सेकेंड्स में ये सैनिटाइज कर देगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो ही देखा है आई बटन पे लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो जाके जरूर चेकआउट करें बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इफ यू वांट टू नो प्लीज गो एंड चेकआउट दैट वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, कौन सा आउटफिट आपका फेवरेट है, साथ ही अगर इनमें से कोई भी आउटफिट आप रिक्रिएट कर रहे हैं उसका पिक्चर क्लिक करके मुझे टैग करें इंस्टाग्राम पे। आप वहां पे मुझे अपने पिक्चर सेंड भी कर सकते हैं जो कि मैं अपनी स्टोरी में ऐड करूंगी डेफिनेटली। ऑल्सो सभी को हैप्पी दिवाली और ज्यादा पटाखे ना फोड़े बिकॉज यू नो पॉल्यूशन। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।